सब पैसे की बात है। हमारा पहला इंस्टिंक्ट स्पेशली फॉर मी ऐसा होता है कि यार क्यों करना है, दोस मीनिंगलेस पेटीएम कप्स चार इनिंग्स में डिवाइड कर दो ओडीआई को 25 ओवर्स ईच। ऐसा पहले भी हो चुका है क्योंकि पता है क्या, ओडीआई को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। तुम लोगों को याद होगा जैसे पहले वो एमआरएफ टायर्स की रैंकिंग हुआ करती थी, अब पता नहीं क्या पैसे खिलाए क्या कराए। Hey guys, welcome back to Bro Sports, where it's all fun and games. This is your brother Mohit and this is Aditya. And today we'll talk about is ODI cricket dying? बहुत peculiar question है और बहुत important question है इस वक्त. So let's find out. So let me just start by saying कि ICC अभी क्या कर रही है. हाँ. अभी ICC ने ODI 50 over World Cup जो होता है उसमें रैंकिंग सिस्टम हटा दिया है। अब उसको क्वालिफाई करने के लिए सुपर लीग अनाउंस हो चुकी है। तुम लोगों को याद होगा जैसे पहले वो MRF टायर्स की रैंकिंग हुआ करती थी, कभी इंडिया ड्रॉप कर रही है कभी ऑस्ट्रेलिया। तो द न्यूज़ इज़ कि बहुत ही पैसिवली ये चीज़ एग्जीक्यूट हो गई ड्यूरिंग द पैंडमिक, राइट, और अब वो रैंकिंग सिस्टम खत्म हो चुका है। फॉर्मेट भी इतना अजीब सा है उसका, हर टीम का मैच हर टीम के साथ खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे। आई मीन अगर आप अपने सारे ओपोनेंट्स के साथ नहीं खेलोगे तो आप किस बेसिस पे क्वालिफाई कर रहे हो। एंड 24 मैचेस होंगे हर टीम के, 12 होम एंड 12 अवे, एंड दिस इज कॉल्ड द सुपर लीग, राइट। तो एक ये पॉइंट्स टेबल कम लीग स्टेज टाइप का कर दिया है, जैसे हम लोग फुटबॉल में देखते हैं, right, कि पूरे सीजन में एक लीग ग्रुप बना रहता है। बट इट इज़ नॉट एसेंशियली दैट, क्योंकि आप हर टीम से फेस नहीं कर रहे हो मैचेस, तो बस आप बायलैटरल सीरीज को एक नया नाम दे रहे हो एसेंशियली। इट डजंट मेक सेंस। तो क्या लगता है यार ओडीआई का, इज इट टू लॉन्ग टू बी एज फन एज T20, या फिर इतना छोटा है कि टेस्ट जितना फैसिनेटिंग नहीं हो सकता? इट इज़ एग्जैक्टली दैट, क्योंकि वो एक नया मिडिल ग्राउंड में फंस गया इस वक्त। And most of the cricketing experts as well as the audience does not have the patience to wait for 100 overs a day to get a result. अगर करना ही है तो यार या तो 5 दिन वेट कर लो या तो 2-3 घंटे 4 घंटे में हमें रिजल्ट चाहिए, राइट। ये आजकल की मेंटालिटी हो गई है। सो लेट्स गो थ्रू सम डिफरेंट व्यूज नाउ। मैं डेफिनेटली इसके फेवर में नहीं हूँ कि उसे बंद कर देना चाहिए, इट डेफिनेटली नीड्स अ रिवैम्प, बट उसे स्क्रैप कर देना सेंस नहीं बना था। क्योंकि फर्स्ट थिंग इज कि आपको 100 ओवर की एड स्पॉन्सरशिप मिल रही है एक ही दिन में, बहुत क्रूशियल पॉइंट है, राइट, जो ना T20 में मिलती है ना टेस्ट में मिलती है। टेस्ट में फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो 90 ओवर्स का प्लान होता है एक दिन का। बहुत रेयर ओकेजंस में ऐसा होता है कि आधे घंटे से टाइम एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो मे बी 4-5 ओवर्स मोर। तो अब T20 को इंटरेस्टिंग बनाने लिए क्या किया जा सकता है? फर्स्ट थिंग इज कि आप 40 ओवर का कर दो, जिसमें आप ओडीआई का जो बोरिंग पार्ट होता है जो 25 से 40 ओवर तक का, वो चीज़ हटा दो, तो 40 ओवर ईच साइड का आप कर दो। या फिर एज सचिन तेंदुलकर सजेस्टेड कि आप चार इनिंग्स में डिवाइड कर दो ओडीआई को 25 ओवर्स ईच। तो ये किया जा सकता है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। देखो तेंदुलकर ने जो कहा है ये बहुत टाइम से ये बात एक्चुअल डिस्कशन में भी चल रही है, एंड इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया बिकॉज इट्स द परफेक्ट मिक्सचर ऑफ T20s एंड टेस्ट क्रिकेट। तो मैं टेस्ट क्रिकेट के चार इनिंग्स का भी मजा मिल रहा है एंड पर इनिंग ओवर्स भी बहुत कम है। एज फार एज 40 ओवर्स अ साइड इज कंसर्न, देखो हमारा पहला इंस्टिंक्ट स्पेशली फॉर मी ऐसा होता है कि यार क्यों करना है ये, बट ऐसा पहले भी हो चुका है। क्योंकि पता है क्या, पहले ओडीआई स्टार्टिंग में 60 ओवर्स की हुआ करते थे, बट देन इट इवेंचुअली केम डाउन टू 50 ओवर्स, राइट। सो इट्स नॉट लाइक दिस इज समथिंग न्यू टू क्रिकेट एंड टू द ओडीआई फॉर्मेट, एंड दिस कुड ऑल्सो बी एक्सप्लोर्ड। बट वॉट अबाउट द अदर पॉइंट्स दैट वी हैव टू कवर ऑन दिस? देखो यार, एक तो ये मिथ है कि ओडीआई क्रिकेट को लोग पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि स्टेटिंग द फैक्ट्स 2019 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था उसकी एवरेज ग्लोबल ऑडियंस जो थी वो 1.6 बिलियन की थी। मुझे पता है क्या लगता है इसमें कि देखो क्रिकेट का सबसे रिवर्ड टूर्नामेंट, सबसे प्रेशियस ट्रॉफी कौन सी है? 50-50 वर्ल्ड कप की है, राइट, ठीक है। तो जब वो वर्ल्ड कप आएगा तब तुम्हारी व्यूअरशिप नो डाउट पीक पे रहेगी अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, अक्रॉस ऑल मैचेस। बट इट इज मोर अबाउट दोस बायलैटरल सीरीज, दोस मीनिंगलेस पेटीएम कप्स, कि यार तुम उनको क्यों खेल रहे हो। दिस इज एग्जैक्टली माय नेक्स्ट पॉइंट, कि यार अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन या फिर जो कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट्स होते हैं, इसके अलावा आपको इतनी बायलैटरल T20 सीरीज खेलने की क्या जरूरत है जब आपके ऑलरेडी कंट्री में T20 लीग चल रही है 2 महीने, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो जो प्रॉब्लम है ना वो व्यूअरशिप की नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप वर्कलोड इतना डाल दे रहे हो प्लेयर्स पे। आई जेन्युइनली फील दैट एक तो वर्कलोड वाला पॉइंट इज टोटली वैलिड, एंड इसके ऊपर हमने एक और वीडियो बनाई है, सो यू गाइस कैन चेक दैट आउट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल,
कई बार ना ऐसा होता है कि मिसमैनेजमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है आईसीसी के पार्ट में. फॉर एग्जांपल यार, कभी कोई T20 वर्ल्ड कप अप्रोच कर रहा हो तो उससे पहले अगर आप कोई सीरीज खेलने गए, सपोज फॉर एग्जांपल इंडिया गोज टू इंग्लैंड, ठीक है, तीन T20 मैचेस खेलने जाती है. नाउ इट मेक्स सेंस बिकॉज T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है तो आपको प्रिपेयर करना है उसके लिए, सो यू नीड मोर गेम टाइम इन द T20 फॉर्मेट, राइट, टोटली फाइन. बट उसके साथ तुम्हें 3 ODI ढूंढने की क्या जरूरत है? उससे ना तुम्हें प्रेप में कोई वो आ रहा है, कोई बेनिफिट मिल रहा है तुम्हें. उल्टा जो है ODIs को लोग और बुरी नज़र से देखेंगे कि यार ये मतलब होता है ना कि बिन बुलाए मेहमान क्यों आया हुआ है यहाँ पे, राइट. तो एक वेल थॉट आउट प्लानिंग जो होती है ICC के पार्ट में रिगार्डिंग फिक्स्चर्स ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड हाउ टू ब्लेंड देम टुगेदर, वो मिसिंग है जनरली इस पॉइंट. और यही बात है यार कि इतनी ज़्यादा अनप्लान्ड स्केड्यूलिंग है, ODI को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है कि ODI निकाल के आप ज़्यादा से ज़्यादा T20 और टेस्ट घुमाओ. और टेस्ट में जैसा हमने देखा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो आ गई है तो उसके लिए थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड गेम हो गया है, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा ODI को कॉम्प्रोमाइज़ करने को कह रहे हैं. हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा मूव था कि टेस्ट चैंपियनशिप ले आओ, क्योंकि उसके वजह से फिर हर टेस्ट मैच काउंट करेगा तुम्हारी, राइट, तो हर टेस्ट मैच की वैल्यू बढ़ेगी एंड एक्साइटमेंट बढ़ेगा. बट प्रॉब्लम ये ना कि आप ODI इतने कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो एज वी सी कि बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट ले लिया और फ्यूचर में जाके भाई कोहली और विलियमसन जैसे प्लेयर्स भी ले लेंगे शायद ODI क्रिकेट. विराट कोहली ने तो कहा ही था कि आफ्टर द 23 वर्ल्ड कप ही विल बी कॉन्टेम्पलेटिंग कौन से फॉर्मेट से उसको रहना है और किससे रिटायरमेंट लेना है, राइट. सो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी ही माइट रिटायर फ्रॉम एटलीस्ट वन फॉर्मेट एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी टेस्ट मैचेस, दैट्स फॉर श्योर. And it is understandable, भाई. हाँ हाँ, true. मतलब जितना वर्कलोड हो गया आजकल के टाइम पे. बट स्पीकिंग ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, देखो ये सब तो हो गया कि ICC क्या कर सकती है, थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी कवर करते हैं, राइट. सो द थिंग इज दैट ICC इन ऑल इट्स टूर्नामेंट्स यूजेस द कुकाबूरा बॉल. कुकाबूरा एक, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, इट्स एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी. आप लोगों ने उसके बैट भी देखे होंगे कहीं ज्यादा. बट टू प्रूव दिस पॉइंट आई विल यूज 3 major कंपनीज दैट प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास leather balls and that are as per the international standards. So we'll be taking Kokabura, Dukes and apna SG, India ka. To yaar dekho, ICC prefers Kokabura ball for all its events, theek hai, across all formats. But the thing is ki yaar Kokabura ball mein na jo do, dekho seam aapka jo ball ko do hisse mein apne divide kar diya, theek hai, beech se agar aap center se shuru karo to jo next two aapke rows hai na seam ke, जो फर्स्ट टू पढ़ते हैं, वो दोनों सिर्फ वही दोनों होते हैं ऐसे विच आर इंटरनली स्टिच्ड अक्रॉस बोथ द हाफ ऑफ द बॉल. थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है, थोड़ा समझने की कोशिश करना. तो जो बाकी बचे हुए रोज हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड टुवर्ड्स द राइट, वो सब आर नॉट स्टिच्ड अक्रॉस बोथ द हाफ ऑफ द बॉल. तो क्या ना, वो थोड़े ढीले ढीले फ्लैट से रह जाते हैं. इसके वजह से क्या होता है कि बॉल का जो सीम है पूरा वो भी फ्लैट हो गया. ये होने की वजह से क्या होता है ना कि यार, अब देखो जैसे तुम ODI T20 में ले लो, वाइड बॉल है कुकाबूरा की, अब भाई बैट्समैन मारने पे लगा हुआ है, ठीक है, मारे जा रहा है तो क्या होगा, हम लोग कितनी बार देखते हैं कि बॉल का शेप खराब हो जाता है, वो सर्कल से हट के कुछ और ही हो जाती है, डेंट वेंट पड़ जाता है, डिसफिगर हो जाती है, राइट, डिसफिगर होती है प्लस डिसकलरेशन, बॉल का कलर खराब हो जाता है. तो इसकी वजह से ना क्या होता है कि यार, आप जो है बॉलर्स का स्विंग चली गई, ठीक है, क्योंकि शाइन नहीं है, कलर नहीं है, अच्छे से बॉल परफॉर्म नहीं कर रही है, स्पिनर्स की ग्रिप चली गई, right. तो बैट्समैन के लिए बहुत फेवरेबल हो जाता है. अब इस चीज को काउंटर करने के लिए ICC ने ये नहीं सोचा कि भाई हम कंपनी की बॉल ही चेंज कर दें, कोई और कंपनी ट्राई करें. फॉर एग्जांपल SG को ले लो. SG ने कितनी बार क्लेम करा हुआ है कि हम लोग वर्ल्ड स्टैंडर्ड बॉल्स क्रिएट करते हैं. इंडिया में जो मैचेस होते हैं वो SG के बॉल से ही होते हैं, ठीक है, आप सब देखते हो, मतलब इट्स रियली फन टू वॉच, जितने भी टर्निंग विकेट्स हैं, जो भी है, पेसर्स ऑल्सो गेट समथिंग आउट ऑफ इट. बट नहीं भाई, ICC को ये नहीं करना, ICC को कुकाबूरा ऐसे ही खेलना है. अब पता नहीं क्या पैसे खिलाए हैं, क्या करा है, मतलब क्या चल रहा है. बट इस रूल को, मतलब इस डिलेमा को एक्नॉलेज करने के लिए ICC ने क्या करा, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द बॉल दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ इन द गेम, जो कि आप सब लोगों को बहुत फेमसली पता होगा कि ODI क्रिकेट में आजकल 2 balls चलती हैं पर इनिंग्स, राइट. पहले एक ही होती थी. अब जब एक बॉल होती थी तो उसमें चक्कर क्या था यार, कि बॉल जब पुरानी होगी तो एक साइड से शाइन बढ़ते जाएगी, फिर इवेंचुअली रिवर्स स्विंग होना शुरू होगी बॉल, बिकॉज वन साइड ऑफ द बॉल गेट्स हेवियर. दूसरा क्या है कि बॉल पुरानी होगी तो ग्रिप ज्यादा अच्छी करेगी, क्योंकि जो शाइन होती है ऊपर की, जो ग्लॉस होता है वो निकल जाता है, सो स्पिनर्स ऑल्सो कम इन टू प्ले.
तो ऑल इन ऑल बॉलर्स को थोड़ा बेनिफिट मिलता है अगर सिर्फ एक बॉल यूज हो 50 ओवर्स में, राइट। बट अब वो चीज़ हटा दी है, ठीक है, अब दो बॉल्स आ गई हैं तो एक भी बॉल पुरानी इतनी होती ही नहीं है कभी कि वो रिवर्स स्विंग हो पाए या फिर स्पिनर्स को अच्छा टर्न मिल पाए उसके थ्रू। सब पैसे की बात है, इट्स नॉट दैट सिंपल कि पैसे की बात है कि नहीं है। आई मीन द थिंग इज दैट ऑडियंस को चाहिए हाई स्कोरिंग रन्स, है ना, हाई स्कोरिंग मैचेस देखने उनको तो। बट यार इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इवन प्लेयर्स लाइक रविचंद्रन अश्विन हैव रिसेंटली स्टेटेड दैट ओडीआईज में अगर आपको वो एक कहते हैं ना फ्लेवर दोबारा लेके आना है तो वो तभी आएगा अगर आप बॉलर्स को थोड़ा और फेवर दो। उसके लिए हमें एक बॉल का रूल दोबारा लाना पड़ेगा। ट्रू। एंड लास्टली वन मोर वेरी सिंपल पॉइंट इज कि भाई इतनी पाटा विकेट्स क्यों बना रहे हो? हाँ ये तो बात है, इतनी बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स क्या जरूरत है बनाने की? तुम एक एक टन का रोलर उसके ऊपर जो है घिसे जा रहे हो बैठ के पिच के ऊपर, तो पिच फ्लैट होती जाएगी। क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं एकदम शीशे की तरह आ रही है बॉल की, जैसे पड़ रही है वैसी जा रही है, राइट, एकदम सेम ट्रैजेक्टरी में। तो बैट्समैन डज नॉट हैव टू वर्क मेंटली दैट मच टू एंटिसिपेट द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉल। तो आदमी इसीलिए देखते हो लप्पे मार रहा है, जो कर रहा है, थ्रू द लाइन खेल दे रहा है आराम से, यानी इसीलिए करा जा रहा है ताकि आप लोग को पसंद आए। हाँ तो मतलब तुम जैसे टेस्ट मैचेस में देखते हो ऐसा क्यों होता है कि टेस्ट मैचेस में एकदम से रन बनने बंद हो जाते हैं? अगर T20 में लोग 10 रन पर ओवर के हिसाब से 20 ओवर्स में 200 रन मार सकते हैं इतने इजीली, तो वह टेस्ट में भी मार लो ना। 90 ओवर होते हैं, मार लो 900 रन, ठीक है 500 रन ही मार दो एक दिन के अंदर। पर वो क्यों नहीं हो पाता है? ऐसा थोड़ी कि बैट्समैन कर नहीं सकते या फिर चाहते नहीं करना। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि पिचेस वैसी नहीं होती हैं, राइट। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि बॉल डिफरेंट होती है, रेड बॉल होती है, कंडीशंस अलग होते हैं, टाइम ऑफ द डे अलग होता है। तो यार तुम द लीस्ट यू कैन डू इज प्रिपेयर पिचेस दैट सपोर्ट बॉलर्स, जैसे कि हम टेस्ट मैचेस में देखते हैं, फिर देखते हैं कितने रन्स बनते हैं, राइट। एटलीस्ट गेम को इवन आउट तो करो। तो इससे मेरे ख्याल से ओडीआई का एंटिसिपेशन, एक फन एलिमेंट जो है ना, उसको एक नई लाइफ मिलेगी, राइट। और पता है यही रीजन है जो पाटा विकेट का चीज बोला, कि आप ये मत सोचिएगा कि ओडीआई के चक्कर में लोग T20 को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि T20 में ही पैसा इन्वॉल्व है, T20 में ही मजा इन्वॉल्व है। कितना हम देखते हैं कि ग्लोबल T20 लीग्स कितने बढ़ते जा रहे हैं, IPL, right. हो गया, बिग बैश हो गया, कैरेबियन प्रीमियर लीग हो गया, दे आर ओनली गोइंग टू गो अप। और वी एज फैंस वी नो कि हमें जब स्पोर्ट में पैसे वाले एस्पेक्ट आ जाते हैं हमें पसंद नहीं आता उतना, बट भाई इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मॉडर्न गेम और ऐसे ही चलेगा आगे। ट्रू। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना, और कमेंट्स में ही बताओ कि कोई और रीज़न है कि ओडीआई क्रिकेट का यार क्यों इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, और यार कोई सोल्यूशन तुम्हारे दिमाग में हो तो वो भी बताना। बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो वहाँ पे भी हमारा कंटेंट चेक करो। एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।